चलिए क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। इफ एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन यस सर यू आर ऑडिबल एंड विजिबल। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? आज तो कोई भी चश्मा नहीं दिख रहा है मेरा, ठीक है। चलिए ओके, क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? यस या नो? चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जियो मेरे सर, जियो 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 जियो। कमॉन कमॉन कमॉन। आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, राइट। सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यहाँ पर कंप्लीट रिमाइंडर थ्योरम मैं अभी आपको कराऊंगा, कंप्लीट रिमाइंडर थ्योरम, राइट, जिस पे यूपीएससी चाहती है। सभी लोग सेशंस को लाइक करो, एक बार शेयर कर दो। मैं चाहता हूँ सभी लोग इस सेशंस को लाइक कर दें और एक बार शेयर कर दें। वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर IAS ऑफिसर। चलिए चलिए चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने, वी हैव डन हेयर 12 लेक्चर। हाउ मेनी लेक्चर्स? टोटल 12 लेक्चर हमारे फिनिश हो चुके हैं, राइट। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने देखा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। सर किसी कोचिंग किस कोचिंग सेंटर्स में फायर एक्सीडेंट हो गया, आपको नहीं पता है क्या? यूट्यूब पे देखो, है ना। लोग पैसा कमाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम ध्यान दे रहे हैं, राइट। स्टूडेंट्स की सेफ्टी पर कम ध्यान दे रहे हैं, जिसके वजह से ये ऐसा हादसा होता रहता है। अब हम और आप क्या कर सकते हैं, राइट, है ना। सब कुछ पैसा ही नहीं है, राइट, है ना। इतने माँ बाप अपने जिगर के टुकड़ों को दिल्ली पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं, लेकिन इस तरीके के हालात होना, मैं समझता हूँ कि माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसका बच्चा इस वक्त मुखर्जी नगर में पढ़ रहा होगा, हाँ या ना। खैर मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का सेशंस में स्वागत है। सर जी आप कैसे हो? आप डिनर किए कि नहीं? आप ठीक ठाक हो? हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, मैं उस वक्त मुखर्जी नगर से गुजर रहा था, ठीक है। चलिए सभी लोग, सर IAS की तैयारी कब से करनी चाहिए? जब से तुम्हारी जवानी में जोश आ जाए, जुनून आ जाए कि मुझे अब IAS बन के दिखाना है, तो तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। चलिए गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, एक बार मुझे बताएं आप सभी लोग किस किस स्टेट से बिलोंग करते हो? आज तो हम सभी लोग रिमाइंडर थ्योरम को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, और इतना ही नहीं, आज के बाद मुझे लगता है अगर आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस आएगा तो शायद आप सॉल्व कर लोगे। अगर कुछ चीज़ें छूट भी जाती है तो प्लीज़ आप हमेशा लाइव ही देखें, क्योंकि जो SSM सर की लाइव क्लास में खो गया समझो CSAT में क्वालिफाई हो गया। तो 333 बच्चे सिलेक्टेड हैं, 50% डिस्काउंट का कल लास्ट ऑफर है। कब? कमेंट सेक्शन एक बार कमेंट करके बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कल इसका लास्ट डे ऑफर है, आपको यूज करना है। मेरा रेफरल कोड है SKS10, इस कोड को यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट CSE 2024 है, आरंभ बैचेज के साथ एक साल का कोर्सेस है, जिसकी प्राइस ओनली 39,679 है। अगर आपका टारगेट 2026 है, मिशन 2026 के लिए है, तीन साल का कोर्सेस है, जिसका प्राइस है 62,149। तो मुझे आप बताएं कमेंट सेक्शन में आपका क्या टारगेट है, फॉर विच ईयर आपका क्या टारगेट है। थैंक यू सर, आप अच्छे से रहिए, आप और डेली पढ़ाते रहिए। ओके, वेस्ट बंगाल से हैं, किसके किसके यहाँ मानसून आ चुका है, राइट, किसको किसको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। ओके वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग सेशंस को लाइक करो। सर माइंड स्टेबल नहीं रहता है क्या करें? माइंड स्टेबल नहीं रहता है क्या करें? ये तो बड़ा गलत बात है, माइंड स्टेबल नहीं रहता है क्या करें? मैं बोलूँ मेडिटेशन करो, मेडिटेशन में तुम कुछ गलती सोचोगे, राइट। अगर माइंड स्टेबल नहीं रहता है ना, तो मेरी क्लास को देख लो, ठीक है ना। प्रैक्टिस करो, राइट, है ना। ऐसा काम करो जिसमें आपको करने में बहुत मन लगता हो, ठीक है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यह है आपका 15 जून से ये न्यू बैचेज स्टार्ट्स हो चुका है, 50% डिस्काउंट के साथ इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरव्यू तक पहुंचते हो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ, तो आपको फी आपका रिफंड हो जाता है। और ये मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, राइट, मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट।
लोगों के अंदर जो है ना, पता है दोस्तों, मैं एक बात बताऊं आप सभी को, लोगों के अंदर जो है ना सेंस की बहुत कमी होती गई है, राइट। आज के जिस प्रकार मॉडर्नाइजेशन होता चला गया है, राइट, है ना। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, मॉडर्न दुनिया में, चाहे आजकल की दुनिया में, अपने आप को जो काम आप कर रहे हैं उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करें, राइट। ये नहीं कि कब क्या चीज़ होना है और आप उस वक्त उस चीज़ों को लेकर के डिस्कस करेंगे, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि वो चीज़ें कभी होगी। एटलीस्ट यू शुड हैव टू बी वेल प्रिपेयर, राइट। क्यों कहते हैं कि यूपीएससी एग्जाम की तैयारी से पहले आपको प्रिपेयर करना चाहिए, यानी कि लास्ट के महीने में मैं सब कुछ पढ़ लूँगा, एग्जाम क्वालिफाई कर लूँगा, ये पॉसिबिलिटी आई नहीं दोस्तों। इस एग्ज़ाम में तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट 3 साल 4 साल 5 साल 6 6 साल से बच्चे लगे हुए हैं, है ना। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, राइट, ओके। बाकी ये लक्ष्य बैचेज है, 1-2-3 बैचेज है, आप कोर्सेज के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। पर मुझे आपका अपना ऑप्शनल बता दो, चलो चिपक के बैठ जाओ क्लास में, राइट, ओके। ये बहुत कम टाइम है सेशंस को लेकर, चिपक के बैठ जाओ, राइट, ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, ओके। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी एंड माय नेम इज संजय कुमार साहब, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु कॉल मी एसएसएम सर एंड पास आउट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड आई हैव 9 years ऑफ द टीचिंग एक्सपीरियंस एंड एक्स फैकल्टी ऑफ टॉप प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। आई मेंटर 1 lakh प्लस एस्पायरिंग कैंडिडेट्स इन यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। कल भी आपने देखा, कल रात को आपने देखा था ना कि प्रतिभा पाटिल करके एक बच्ची थी जिसका स्टेट पीसीएस में सिलेक्शन हुआ और उसको जेल अधीक्षक, जेल सुपरिंटेंडेंट के पद मिला। एमपीएससी में दो ही सीट थी, वो बच्ची ने मेहनत करके स्टेट पीसीएस में सेलेक्ट होकर के दिखाई। तो आप सभी लोग उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन कर सकते हैं। सेशंस को सभी लोग लाइक कर दीजिए। सर, नंबर सिस्टम का हिंदी में क्वेश्चंस नहीं आ रहा है सर, ट्रिक वाइज सी सेट क्वेश्चंस करें तो सर कैसा रहेगा? ऐसा क्यों सोचते हो ट्रिक वाइज? यूपीएससी अब ट्रिक पे फोकस नहीं कर रही है। सुनो, इधर सुनो, यूपीएससी अब ट्रिक पर फोकस नहीं कर रही है। ट्रिक से क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 questions आपके हो जाएंगे। यूपीएससी फोकस कर रही है बेसिक्स पर फोकस कर रही है, राइट, फाउंडेशन पर फोकस कर रही है, राइट। जो फाउंडेशन है, जो बेसिक्स है, उसी पर फोकस कर रही है। आज के क्लास में तो आपको मज़ा आ जाएगा, जैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, 7 की पावर 32 32 32 32 32 पावर 8, बताओ क्या होगा रिमाइंडर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप थोड़ा चिपक के बैठो, सेशंस को सभी लोग लाइक करो। इतने सारे कम बच्चे लाइव की लाइक किए हैं, देखिए 350+ बच्चे लाइव हो चुके हैं, लेकिन सेशंस को लाइक अभी तक केवल और केवल, मैं समझ रहा हूँ इतने बड़ी दुश्मनी क्यों कर रहे हो, राइट, इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों कर रहे हो? आराम से बैठ के पढ़ो, राइट, आराम से बैठ के पढ़ो। देखता हूँ कितने बच्चे, ओनली 190 बच्चे लाइव किए हैं, राइट, वेरी गुड, 300। चलिए सर, आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ था? नहीं भाई, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरा सिलेक्शन होता तो शायद मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, ओके, चलो ठीक है, शुरुआत करता हूँ। चिपक के बैठ जाओ यहाँ पे। रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट, ध्यान से समझना, आज के इसमें पढ़ाऊँगा। रिमाइंडर थ्योरम में मैं जो आज आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, टोशंट मेथड, राइट, क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टोशंट मेथड, ध्यान से समझिए। इसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टोशंट मेथड, राइट, टोशंट मेथड। इस मेथड से आप बड़े बड़े कैट लेवल के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट। इसका ये रिमाइंडर थ्योरम का आप लोगों को क्वेश्चंस मिला था बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए। आई थिंक, मुझे लगता है कि आपने प्रैक्टिस किया होगा। एक्चुअली क्वेश्चन मेथड का यूज हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सर, नंबर सिस्टम को हिंदी में, साइक्लिसिटी मेथड तो कल आपको कराया ही था, साइक्लिसिटी मेथड पर कल आपको तो मैंने क्वेश्चंस कराया ही था। एक बार सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी लोग कौन, देखिए ध्यान से समझिए। देखिए, अगर कैसे होता है ट्यूशन मेथड, ये ध्यान से देखिएगा, अगर ए की पावर आर अपॉन बी हो, अगर ए की पावर आर अपॉन में बी हो, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर जो है वो आपका
रिमाइंडर जो है वो आपका वन आएगा। अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा अभी किसी को समझ में नहीं आएगा, 10 से 15 मिनट तक आप चुपचाप राइट डाउन करो, चुपचाप फोकस करो, उसके बाद समझ में। सर रीजनिंग की क्लास कब शुरू होगी? अभी मैं एक दो टॉपिक इसमें करा देता हूँ, फिर मैं रीजनिंग का कराऊंगा, फिर मैं मैथ, पहले मैं नंबर सिस्टम रीजनिंग का भी कराऊंगा इसी में। नेक्स्ट वीक मैं पूरा रीजनिंग का ले लूँ, नेक्स्ट वीक मैं पूरा रीजनिंग की क्लास ले लूँ, नेक्स्ट वीक मैं पूरा रीजनिंग की क्लास ले लूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए इसमें, तो जिसमें पहला जो है ये आर जो है ये आपका टोशंट है, आर जो होगा ये आपका टोशंट होगा। इस पॉइंट्स को ध्यान से समझिए, अच्छे तरीके से मेहनत करिए, राइट, है ना। सेकेंड जो ए और बी, ए और बी जो है ये आपका, अभी समझ में नहीं आएगा, ये आपका को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? को प्राइम नंबर कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में? को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? सर ई पी एफ ओ की क्लास कब से होगी बता रहा हूँ। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? कमॉन 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 कमॉन, को प्राइम नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर कोई बता सकता है? को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? देखिए को प्राइम नंबर इसको कहते हैं जिसका एच सी एफ क्या हो? वन हो। या इसको एक साधारण भाषा में समझे जो किसी से भी ना कटे, राइट जो न्यूमरेटर, ध्यान से समझो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। यार ये ऐसा क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसे बताता हूँ, ए और बी क्या है, अरे यार एक सेकंड रुको, हाँ ठीक है, ए और बी ये हो गया, राइट, ये ध्यान रखिएगा, राइट, ये ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके, राइट, है ना। तो जैसे कि n इक्वल टू 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c, 7 की पावर d, 11 के पावर e, डैश डैश डैश। इसको आप अभी नोट डाउन करो, अभी आपको फरफराने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो टी का मतलब होता है टोशंट, टी का मतलब टोशंट, टोशंट इक्वल टू n इंटू 1/2, 3 है ना, तो वो 2 लिखा, 2 के कम एक 3 है, 3 से एक कम 2, ये 5 से एक कम 4, ये 7 से एक कम 6, ये 11 से एक कम 10। इसको आप पहले एक बार नोट डाउन करो, इसको पहले नोट डाउन करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये आखिर क्या चीज़ है। अभी फरफराना नहीं आपको, से सर जल्दी आया करो ना प्लीज़, जल्दी आया तो था, विच हैज वन कॉमन मल्टीप्लीकेशन, यस वन मल्टीप्लीकेशन। सर हिंदी में क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा ना सर प्लीज। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स है ना, बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर लेक्चर 5th एंड लेक्चर 8th जो है ना अपलोड कीजिए। मैंने अपलोड किया हुआ है, वो जो लेक्चर नंबर है ना वो बड़ा मिस्टेक है, लेक्चर नंबर जो है ना वो बहुत मिस्टेक किया गया है, राइट। तो आपको उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सेम ही है, राइट, वो दोनों के दोनों चीज़ें क्या है वो सेम है, 5th और 8th, ठीक है। लेक्चर नंबर है ना वो बाई मिस्टेक हो गया, वो ठीक है, जब आप पढ़ोगे ना लेक्चर को देखोगे ना ध्यान से तो अगला लेक्चर वही है। मैंने अभी तक डिलीट नहीं किया, मैंने रिमूव नहीं किया, मैं करूँगा इस मंथ के बाद नहीं, मतलब कितना तारीख है आज, 16th है ना, तो 21-22 के बाद कुछ लेक्चर मैं डिलीट कर सकता हूँ, नहीं तो आप चुपचाप, इसलिए ध्यान से देखो, हमेशा लाइव देखो, सेशंस को शेयर करो। हाँ 2026 में दोगे, अरे कोई सब एग्जाम दोगे आप देख सकते हो। इसको नोट डाउन कर लिया, आई होप, मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों ने इसको नोट डाउन बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फाइंड करेंगे टोशंट, बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे। हाउ टू फाइंड टोशंट, पहली बात ध्यान से देखो, जैसे कि मान लो कि ये प्राइम नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर है, ध्यान से देखिए, ये आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, ये आपका प्राइम नंबर है। देखो जैसे मान लो 3 है, तो 3 को आप क्या लिखोगे? 3 की पावर 1। 5 को क्या लिखोगे? 5 के प्राइम नंबर मुझे बताते चलो, कमेंट सेक्शन में सभी कमेंट करके बताइए प्राइम नंबर, सभी लोग कमॉन एनर्जेटिक रहो, अच्छे तरीके से एनर्जेटिक रहो, राइट, हाँ अभी ध्यान, यानी कि
यहाँ पे क्या रुका, ये न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर जो है ना, ये किसी भी टेबल से नहीं कटेगा, किसी के टेबल से नहीं कटेगा, यानी ऊपर नीचे जब आप काटोगे ना तो किसी से कुछ नहीं कटेगा। जैसे मान लो ये 2/3 है, कुछ नहीं कटेगा, तो ये आपका हो गया को प्राइम नंबर, राइट। 5/7 ये को प्राइम नंबर है, राइट, है ना। जैसे 2/97 ये क्या, ये आपका को प्राइम नंबर है, यानी किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, राइट, है ना। जैसे मान लो 17/19 कुछ भी नहीं कटेगा, राइट। जैसे मान लो 23/26 किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, उसी को हम कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। ये देखो ध्यान से, प्राइम 3, 5, 7 को आप क्या लिखोगे, 7 की पावर 1, और बताओ प्राइम नंबर 11 क्या लिखोगे, 11 की पावर 1, और बताओ 13 को क्या लिखोगे, 13 की पावर 1। अब देखो ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान, इसको पहले नोट डाउन किया, एक बार राइट डाउन नोट डाउन करते चलो ध्यान से, सभी लोग कमॉन मेरे प्यारे सर, 26 प्राइम नंबर नहीं है मेरे बच्चे, मैं यहाँ पे को प्राइम नंबर की बात बता रहा हूँ, है ना। उसके ऊपर मत जाओ, अभी आप ध्यान से तो देखो, इधर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, इधर ध्यान से समझो। देखो n इक्वल टू 2 की पावर a, तो n है जो ये 2 है ना, ये 2 लिखा उसका एक कम 1/2 कर दिया है, यहाँ पर ध्यान दो, ये n, इसको देखो यहाँ पे, इसको देखो ध्यान से, इसको n 2 की पावर 1 कम, फिर ये 3 की पावर 1 कम, ध्यान से देखो। तो भाई यहाँ क्या होगा, ये 3 है, 3 n क्या है, ये 3 इंटू ये 3 में से एक कम 2, 3 से 3 कैंसिल, इसका जो टोसंट होगा वो क्या होगा 3, इसका जो टोसंट होगा वो 3, इसका देखो इसका टोसंट देखो, ये नंबर कितना है, नंबर 5 इंटू, ये 5 है, 5 में से एक कम 4, 5 से 5 कैंसिल, कितना होगा आपका 4, इसका टोसंट देखो, नंबर कितना है 7 में, ये 7 है, 7 में से एक कम 6, 7 से 7 कैंसिल, कितना होगा आपका 6, 13 का देखो टोसंट, नंबर कितना है 13 इंटू, ये 13 में से एक कम 12, 13 कैंसिल, आंसर क्या होगा 12। ये बात समझ में आई, आराम से समझो, आराम से, घबराओ नहीं, सब कुछ होगा सर, फर्स्ट का 2 होगा ना, हाँ फर्स्ट, अच्छा सॉरी, हाँ इसका दो होगा, ठीक है, 5 का 4, 7 का 6। अगर आपको ये वाली बात अगर इतनी आपको समझ में आ गई तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन SKST, जिसको समझ में आ रही है, जिसको नहीं समझ में आ रही तो आप इस रेफरल कोड को लिखिए SP सा, मेरे बच्चे आराम से समझो, प्रेम से समझो, धीरे धीरे समझो सभी लोग। यस सर, क्रिस्टल क्लियर, पूजा 3 का 2 होगा ना, कृष्ण प्रजापत, यस सर, फर्स्ट का 2 आएगा, प्रेरणा भारद्वाज, यस, शिवानी गुप्ता, अवनीश गुप्ता, लव टू यात्री नहीं पुजारी यात्रा, देवदास, वेरी गुड, राधिका इज मैसेजिंग हेयर SP सा, राधिका वेयर डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, राइट, प्लीज बी मोर फोकस, क्लियर। देखो ध्यान से देखो, जैसे कि मान लो आपका 17 है, तो 17 के पावर 1, तो ये 17 क्या है, ये आपका n है, ये 17 है, 17 के पावर a है, तो मैंने आप क्या लिखा है, देखो टोशंट मैंने आपको क्या लिखाया था, n इंटू ये जो 17 है, 17 में से एक कम 16, तो ये n कितना है 17, यहाँ पे 17 आएगा, 17 कैंसिल, ये 16, यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी प्राइम नंबर है, यहाँ से समझो, अगर कोई भी प्राइम नंबर है, यहाँ पे आप SSM फंडा याद रखो, अगर कोई भी प्राइम नंबर है, अगर आपको इसका टोशंट चाहिए, तो प्राइम नंबर से एक कम, प्राइम माइनस वन, राइट। अगर 3 है, देखो, अगर 3 है तो 3 का टोशंट कितना आएगा, 2 आएगा, 5 है, 5 का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 19 है, 19 का कितना आ रहा है, 9 का कितना आएगा, 18 आएगा, राइट, है ना, 23 है, 23 का कितना आएगा, 22 आएगा, राइट, ओके, 53 का कितना आएगा, 52 आएगा, रेशियन हो, 41 का बताओ तो कितना आएगा, 41 का बताओ, 37 का मुझे बताओ, 89 का मुझे बताओ कितना आएगा, 101 का टोशंट बताओ कितना आएगा। ये बात क्लियर है, सबको क्लियर है, यस, इट मीन्स प्राइम का इवन आएगा, यस संदीप कुमार साहु, ऐसे भी सोच सकते हो, अच्छी बात है, मल्टीपल तरीके से सोचना चाहिए, तभी तो कुछ कर पाओगे जीवन में, राइट। इस उम्र में मल्टीपल तरीके से ही सोचने वाले बच्चे सेलेक्ट होंगे, इस उम्र में मल्टीपल तरीके से ही सोचने वाले बच्चे
सिलेक्ट होंगे सर, इस बात को ध्यान रखो। सभी लोग वेरी गुड वेरी गुड। जियो मेरे सर। सेशंस को सभी लोग ऐसे ही लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। कमॉन, वेरी गुड। जियो मेरे सर। वेरी गुड। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। 37 का टोशन, 36, 89 का 88, 101 का 100, अब 41 का क्या होगा? 40, राइट। चलो ठीक है, अब देखो ये तो प्राइम नंबर हुआ, ये तो आपका प्राइम नंबर हुआ, राइट। अगर मान लो, क्योंकि दो ही नंबर होते, कोई भी नेचुरल नंबर दो ही होते, प्राइम या तो कंपोजिट नंबर, एक होगा आपका कंपोजिट नंबर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखो, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो आपका, अरे ये क्या हो गया पता नहीं, देखो ये जो आपका 2 है, ये जो 3 है, ये जो 5 है, ये जो 7 है, ये जो 11 है, ये क्या है? ये आपका प्राइम नंबर है। This is your prime number. और ये क्या है? ये कोई नंबर है, राइट। This is your 2, 3, 5, 7, 11, your prime number. Is it clear? And A, B, C, D, E is the power of that prime number. So the point is that if any numbers are given there, you have to factorize in terms of a prime number. Suppose I'm giving you an example. Please see here, right, once again, my dear friends, once again, suppose that here is the 8, how you will write here 8, 2 into 2 into 2 into 2, it becomes your 2 key power 3, so 2 is your prime number, you know, 2 is your prime number, right, so the totient will be number is 8 into, this is your 2 key power 1. So 2, 4, 1, 4. So the 8th की टोशन क्या आएगा? आपका 4 आएगा. Suppose that 9, 3 into 3, it becomes here your 3 की power 2. So how you will find here your टोशन? Number is 9 into power. This is your 3. 3 minus 1, 2. So 3, 3 is 9. 3, 2 is 6. Once again, right? Okay. Suppose that here will be your 12, right? 2 into 2 into 3, right? So how you will write? The 2 key power square into 3 key power 1, 3 key power 1, right? So now the point is that the totient will be n is 12 into this is your 2. So your 2 minus 1, right? Here you your 3, 3 a come 2, so 2 6 जा 3, 2 जा एंड 12 की टोशन कितना आएगा? 2, 2 जा 4. इज इट क्लियर? अब आप देखो ध्यान से, कोई बताओ क्लास मेरे बारे बच्चे, सभी लोग जितने बच्चे लाइव हैं ना क्लास में, सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सी सैट बाय संजय कुमार शाह, सी सैट बाय संजय कुमार शाह, इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चंस दिखेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, राइट। सर अलजेबरा सिखाया, वाओ आई नेवर न्यू इट, थैंक यू सर, वेरी गुड, थैंक यू सर, गुड नाइट, वेरी गुड। राठौर अंशिका, संदीप कुमार साहू, सर 8 की ट्यूशन 12 आएगा, 8 का ट्यूशन 12 आएगा क्या? नहीं तो 8 का ट्यूशन 12 कैसे आएगा? ट्यूशन ये 8 है और ये 2 है ना, ये तो 2 लिखा, 2 minus 1, 1, 2, 4, 8 का ट्यूशन 4 ही आएगा, 8 का पोर्शन 2 ही आएगा, 8 का पोर्शन जो है ना 2 ही आएगा, राइट। 8, 9, 12 हो गया, राइट। फिर 13, 14 लिख लो, ये लो 14 लिख लो, 14 को कैसे लिखोगे? 2 into 7, तो 2 की पावर 1, 7 की पावर 1, तो ये वाला आपका 14 हो गया, ये फिर ये 2 में से 1 कम, फिर ये आपका 7 है, 7 में से 1 कम 6, 2, 7 जा 14, से 14 कैंसिल, इसका कितना आएगा? 6 आएगा, 14 का 6 आएगा। 16 का देखो, 2 की पावर 4 आएगा सीधा, तो 16 इंटू 2 into 2, 8 जा, आंसर कितना आएगा इसका? 8 आएगा। पावर का कोई लेना देना ही नहीं है। सर आपने 3 की पावर तो 2 ली,
तो दो की क्यों नहीं ली, तीन की पावर दो भाई, थ्री थ्री जाना है, थ्री थ्री जाना है, ये है, इसको हम लोग चेक करते हैं राइट, इसको इसको ये वाला पार्ट है ऊपर। पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना, पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है राइट, पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है, इस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए, पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है। सभी लोग इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, सी सैट बाई संजय कुमार सा, सी सैट बाई संजय कुमार सा, राइट ओके राइट ओके राइट। जो बच्चा अभी लेट आया है, मैं अभी भी कहूँगा आप लोग लेक्चर वन, लेक्चर टू, लेक्चर थ्री, लेक्चर फोर, लेक्चर फाइव और लेक्चर थर्टीन तक ज़रूर देख लें, क्लास को केवल और केवल लाइव ही अटेंड करें, रिकॉर्डिंग अटेंड करने के पक्ष में ना रहे, ओके, सो दैट यू विल बी नाउ वंस अगेन 20 का बताओ कितना आएगा, 120 का बताओ कितना आएगा, देखो 20 का अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 × 2 × 5। आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, 2 × 2 × 5। अब देखो फिर से देखो, अगर आपको टोशन निकालना हो, ध्यान से देखिए टोशन, ये वाला नंबर कितना है 20 × फिर ये जो है ना ये 2, इस वाले 2 को लिखा 2 का 1 कम 1, फिर ये वाला 5 यहाँ लिखा 5 का 1 कम 4, हो गया 2 × 5 = 10, 10 × 2 = 20, 2 × 4 = 8। अब आई बात, अब आप 120 का समझाओ, फिर मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा राइट। क्लियर? तो अगर आपने 9 वाले में पावर क्यों नहीं ली सर, प्लीज बता दी, बता लिया तो ऋचा शुक्ला लिया तो प्रिया शर्मा, टोशंट का मीनिंग, एवरीबडी इज आस्किंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोशंट। सभी लोग सेशंस को लाइक और शेयर जरूर करें, यू मस्ट हैव टू बी ज्वाइन माय पर्सनल टेलीग्राम लिंक सी सैट बाय संजय कुमार सा। इफ यू विल गेट द कॉल फ्रॉम द अन अकेडमी प्लीज यूज माय रेफरल कोड SKS10। लाइट चला गया क्या? यस, ये आंधी आंधी आ रही है, आंधी तूफान आ रहा है क्या? मेरे प्यारे बच्चे, कहीं लाइट ना चला जाए, कहीं लाइट नहीं चला जाए, है ना, आंधी तूफान आ रही है। कुछ लाइट ऑफ कर देता हूँ ना, पता है, सुनो एक बात और बताता हूँ, एक बात और बताता हूँ। अगर मान लो कि भाई आज ये क्लास किसी भी तरीके से अगर पोस्टपोन हो जाता है, ठीक है, देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, मैंने रिमाइंडर थ्योरम पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है, अभी चलेगी क्लास 10 मिनट में आपका पूरा हो जाए, अगर कभी छूट भी गया तो आई विल टीच यू पर्सनली द क्लास ऑन रिमाइंडर थ्योरम, 6 आवर्स मैराथन क्लास राइट, 6 आवर्स जितने भी, इसका लिंक आपको मेरा टेलीग्राम में मिलेगा, टेलीग्राम में मैं इन सभी बच्चों को नोटिफाई करूँगा कब, एक मैं छोटी सी मैं वीडियो बना करके वहाँ पर नोटिफाई करूँगा, इसलिए मेरा टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो। ये रिमाइंडर थ्योरम की क्लास मुझे लग रहा है अलग से लेनी पड़ेगी राइट, टुकड़े में नहीं, लेनी पड़ेगी। इसका टेलीग्राम का लिंक है CSAT/10,000 के आसपास टेलीग्राम लिंक है मेरा, CSAT/Sanjay Kumar Sah। इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, क्योंकि आंधी तूफान आ रहा है, लाइट कट गई है, ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ यू डोंट हैव टू राइट इसको, 6 आवर्स कंप्लीट, 6 घंटे लगेंगे, ये मिनिमम 6 घंटे, क्योंकि देखो रिमाइंडर थ्योरम में मुझे कैट लेवल के भी कराने पड़ेंगे, जितने भी लेवल के को सभी लेवल के क्वेश्चन कराने पड़ेंगे राइट ओके। 120 का आपने मुझे बताया नहीं ना, 120 का मुझे आपने बताया नहीं ना, 32 बताया, देखो 120 को कैसे लिखोगे, देखो 120 कैसे लिखोगे, 120 को कैसे लिखोगे, जिसको नहीं आता है ऐसे कर लिया करो, जैसे 120 है ना, ऐसे कर लो, 260, 230, 215, 35, देखो ये 2 कितनी बार, 3 बार लिखा है, तो 2 की पावर 3, ये 3 कितनी बार, 1 टाइम, तो 3 की पावर 1, फिर ये कितना लिखा है, 5 की पावर 1। अब देखो टोशंट कैसे होता है, टोशंट कैसे होगा, टोशंट कोई भी नंबर हो, नंबर टोशंट कैसे होगा, देखो टोशंट देखो कैसे होगा, टोशंट देखो कैसे होगा, ध्यान से देखो ये नंबर कितना, ये नंबर 120 है, ठीक है, फिर ये 2 है तो 2 में से 1 कम, 1/2, फिर ये 3 है, 3 में से 1 कम, 2/3, फिर ये 5 में से 1 कम, 4/5, ठीक है, देखो अब देखो 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 2, 3 × 6 = 30, 30 × 4 = 4, 2 = 8, 8 × 4 = 32, आई बात समझ में,
ये ट्यूशन निकालने का तरीका समझो, ट्यूशन राइट इज कितने बजे क्लास होता है सर प्लीज टुडे सपना पटेल आवर क्लास विल बी एट 10 PM रेगुलर 10 PM का टाइमिंग होता है क्लास का, लेकिन 10 PM से लेकर के 10:15 PM के बीच में मैं लाइव आता हूँ राइट। तो आप इसके बीच में लाइव आए, लाइव ही देखें राइट, प्लीज आप लाइव ही देखें, क्योंकि अगर आपके अंदर है मेहनत करने का हुनर, देखने का हुनर, तो जरूर बनोगे IAS या IPS ऑफिसर राइट। आज के टाइम में ऑनलाइन में कंटेंट की कमी नहीं है, ऑनलाइन में केवल कमी है तो सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। बाकी अनअकैडमी पे न्यू बैचेज कल से स्टार्ट हो रहा है, जिसको भी ज्वाइन करना हो इस कोड को यूज करके ज्वाइन करना, मेरे साथ साथ सभी 50+ टॉप एजुकेटर की आपकी क्लासेस मिलेगी, सभी की क्लासेस मिलेगी ओके। सर ये ट्यूशन कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते, भाई बताता रहा हूँ वैभव ढोको लोलो, ट्यूशन कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ट्यूशन वहाँ वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ट्यूशन वहाँ वहाँ अप्लाई कर सकते हैं अगर इस फॉर्म में दिया हो, और ए और बी, अगर ये ए और बी किसी भी टेबल से नहीं कटे, किसी भी टेबल से नहीं कटे, यानी कि वो को प्राइम वो आगे पीछे करने से नहीं कटता है, तो वहाँ हम ट्यूशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो तब आपको समझ में आएगा राइट, तभी आपको समझ में आएगा राइट, है ना, तभी समझ में आएगा राइट, ये बात देखो ध्यान से, तभी देखो मैं आपको समझ में आएगा राइट है, देखो 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 मैं आपको एग्जाम ट्यूशन निकालना सबको आ गया होगा राइट। देखो पहला क्वेश्चन दिया हूँ 3/11 की पावर 660, देखो क्वेश्चन विजुअल हो रहा है 3/11 की पावर 160 राइट है ना, फिर है आपका 12/ में आपका है मान के चलो आपका है नहीं नहीं ये नहीं मैं लिखूँ, हाँ 12/ में 29 की पावर 280 है। अब देखो ध्यान से देखो एक बार आप पहले इसको नोट डाउन करो, पहले आप इसको नोट डाउन, सभी लोग नोट डाउन किया, सभी लोग नोट डाउन करो, या नोट डाउन करो या तो लिखना बंद करो अभी, प्लीज इंडिया ये से या प्लीज इफ यू हैव रिटन दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड प्लीज यू हैव टू स्टॉप हियर राइट, प्लीज यू हैव टू स्टॉप हियर राइट। वंस अगेन ए एंड बी राइट, सो द ट्वेश्चन्ट विल बी नंबर विल बी 2 की पावर ए, 3 की पावर बी, 5 की पावर 7 की पावर डी, 11 की पावर ई राइट ओके। सो नाउ हाउ यू विल बी फाइंड हियर राइट, सो द पॉइंट इज दैट माई डियर फ्रेंड्स राइट, वंस अगेन यू कैन सी, सो दिस इज योर 11, दिस इज 11, सो द ट्वेश्चन्ट विल बी, ट्वेश्चन 11 क्या, 11 इज द प्राइम नंबर, 11 इज द प्राइम नंबर, तो ट्वेश्चन क्या होगा 11 की पावर 1, 11 इंटू 10/11, 11 क्या से इसका क्या आंसर क्या आएगा 10, क्या आएगा आंसर 10, वट विल यू द आंसर 11 विल बी योर 10 या 11 विल बी योर 10 ओके राइट, आप राइट 10 राइट। अब देखो इस वाले 10 से क्या ये 660 कैंसिल हो जाएगा, यस 660 कैंसिल हो जाएगा, यस अगर आप इस 660 में अगर आप 10 से कैंसिल करोगे तो यस ये कैंसिल हो जाएगा, अगर कैंसिल हो रहा है तो इसका जो रिमाइंडर होगा, इसका जो रिमाइंडर होगा वो आंसर क्या आएगा 1। फिर से देखो अब ये 29 है, इसका जो ट्वेश्चन्ट होगा राइट, द ट्वेश्चन्ट विल बी 29, सो 29 × 28/29 राइट वंस अगेन, सो द पावर विल बी योर 280, सो 280/28 योर कैंसिल कंप्लीटली, सो द रिमाइंडर विल बी योर 1। प्लीज मूव फोकस, प्लीज बी सो राइट, प्लीज सभी लोग सेशंस को लाइक करें, शेयर करें, सभी लोग सेशंस को लाइक करें, और आराम से सोचो राइट, घबराओ नहीं राइट। फिर से देखो जैसे मान लो 2/13 की पावर 240 राइट, यहाँ पे मुझे ट्वेश्चन बताओ सभी लोग कमेंट सेक्शन में, मुझे यहाँ पे ट्वेश्चन बताओ कमेंट सेक्शन में क्या आएगा, प्राइम नंबर का ट्वेश्चन प्राइम नंबर माइनस 1, द ट्वेश्चन विल बी प्राइम नंबर इज इक्वल टू प्राइम नंबर माइनस 1। सिविल सर्विसेज हब कह रहा है सॉल्व UPSC PYQ, मेरे बच्चे मैं हमेशा UPSC का ही PYQ सॉल्व करता हूँ, कोई ऐसी क्लास है कि मैं नहीं सॉल्व करता हूँ क्या, लास्ट क्लास में भी सॉल्व किया था, अभी भी सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन नहीं लीजिए, लास्ट क्लास में भी सॉल्व किया था, अभी भी आज भी सॉल्व कर दूंगा राइट। आप कहोगे तो अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा लोन ओवैसी कह रहा है अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये लो डिवाइड, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2/7 की पावर 32 यही आपका क्वेश्चन है ना, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो मैं और बता रहा हूँ A to Z राइट, ईच एंड एवरी डाउट्स विल बी योर क्लियर राइट, सो ट्वेश्चन विल बी हेयर विल बी योर 12 ओके, योर 12 सो 240/12 इट बिकम्स कंप्लीटली कैंसिल राइट, सो इसका रिमाइंडर विल बी योर आंसर 1 ओके। नाउ प्लीज बी मोर फोकस हियर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, व्हाट विल बी द ट्वेश्चन ऑफ 7, व्हाट विल द ट्वेश्चन ऑफ 7, ट्वेश्चन 7 का ट्वेश्चन कितना आएगा 6 आएगा 6, अगर आप 6 से 32 में डिवाइड करोगे तो 6 5 जा
30 30 30। ये देखो रिमाइंडर, देखो यहाँ पे 2 बचा, इधर देखो ध्यान से, प्लीज बी मोर फोकस हियर, रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर इज 2। सो द मीनिंग ऑफ 2 की पावर नाउ 2 की पावर, इस वाली 2 की पावर ये वाला 2/7, सो 4/7 योर रिमाइंडर विल बी 4, योर रिमाइंडर विल बी 4 आंसर, योर रिमाइंडर विल बी 4, इज इट क्लियर? योर रिमाइंडर, अरे यार 6 5 32, हाँ ठीक है ठीक है, रिमाइंडर विल बी योर 4, इज इट क्लियर? रिमाइंडर विल बी योर 4, रिमाइंडर अब करो, हाँ रिमाइंडर विल बी 4, राइट राइट, इज इट क्लियर? राइट, यस, फॉर वन सेकेंड आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल, राइट, वन मोर एग्जाम्पल हियर, राइट, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो, कि अगर मान लो 2 की पावर 37 हो, राइट, डिवाइड बाय 7 हो, तब बताओ तो क्या होगा, देन व्हाट विल बी द आंसर ऑफ, प्लीज मे फोकस सर, अगर पूरा डिविजिबल हो रहा है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। हाँ देखो, अगर पूरा पूरा टोशन से पावर डिविजिबल हो रहा है, अगर पूरा पूरा टोशन से पावर डिविजिबल हो रहा है, देन आंसर विल बी 1, एंड इन द मेनी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस ऑलरेडी अगर आप चेक देखोगे तो डेफिनेटली योर आंसर विल बी देयर 1, क्योंकि वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर नहीं डिविजिबल हो रहा है तो कर लो, जैसे यहाँ पे देखो, आपको पता है कि सर इसका जो टोशंट होगा वो 6 होगा, टोशंट 6 होगा, आप क्या करो, इस 6 से उस पावर में डिवाइड करो 37, 6 6 36, रिमाइंडर क्या बचा, 1 1 1, अब ये 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 7, 2/7 रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 2 आएगा आंसर, सो सिंपल, इज इट क्लियर? रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 2 आएगा, इज इट क्लियर? यस या नो, राइट? ए मुझे भी जीवन में कुछ बड़ा करना है, यूपीएससी क्लियर करना है, लिख हर बार कुछ दिनों के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता। देखो लाइफ में 2 चीज़ है मेरे प्यारे बच्चे, राइट, है ना, लाइफ में 2 वर्ड्स है, ये ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ आप सभी को, राइट, है ना, एक होता है डिस्ट्रैक्शन, एक होता है अट्रैक्शन, राइट। अगर आप किसी आइटम के प्रति, या कोई भी मान लो, चाहे आपकी कोई शनि भाभी हो जाए आपके लाइफ में, राइट, या कोई आपके लाइफ में कोई भी ढोकल लोली कोई गर्ल हो जाए, राइट, या कोई मान लो आपका कोई स्टडी हो, या कोई भी आपका गोल हो, अगर आपका अट्रैक्शन शनि भाभी की ओर है, या कोई भी गर्ल की ओर है, किसी भी स्टडी की ओर है, या किसी भी गोल की ओर है, एक सेकंड प्लीज मोर फोकस, राइट, वन सेकंड, राइट, अगर आपका देयर इज 2 वर्ड्स है, तो द 2 वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल है, अगर किसी भी बच्चे का अट्रैक्शन शनि भावी की ओर है तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप बढ़ता जाएगा, अपने आप डिस्ट्रैक्ट होता जाएगा अपने गोल से। अगर आप किसी गर्ल के प्रति आपका अट्रैक्शन है, ऑटोमेटिकली तुम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, इज इट क्लियर? क्योंकि अट्रैक्शन उधर हो रहा है तो आप ऑटोमेटिकली आपका डिस्ट्रैक्शन भागता जाएगा। अगर वही चीज़ अगर आपका स्टडी की ओर आपका अट्रैक्शन है तो और चीज़ से आपका डिस्ट्रैक्शन हटता जाएगा। इसलिए आपको डिसाइड करना है आपका अट्रैक्शन आपकी शनि भावी की ओर चाहिए, या गर्ल्स की ओर चाहिए, या स्टडी की ओर चाहिए, या गोल की ओर चाहिए, चाहे आपका IAS बनना चाहते हैं, चाहे IPS बनना चाहते हैं, चाहे IRS बनना चाहते हैं। अगर आपका अट्रैक्शन इधर होगा ऑटोमेटिकली आपका डिस्ट्रैक्शन दूर होता जाएगा, और चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट होना आपका ऑटोमेटिकली आप हट जाएंगे, आपका अट्रैक्शन इधर की ओर होता जाएगा, राइट? सो देयर इज द 2 वर्ड्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है आपके लाइफ में, इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? मुझे तो किसी की तरफ नहीं है, क्या चक्कर है? आपको किसी की तरफ नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है, राइट? आपको कैसे नहीं है? मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? ओके, चलिए देखो ध्यान से, मैं आपको और भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, राइट? अरे ध्यान से देखो, मैं आपको और भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, राइट, है ना? जैसे कि मान लो 37 के पावर 9600, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन, राइट फर्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 5/13 के पावर 38, राइट? एक ये क्वेश्चंस हैं, ओके यस, 2 के पावर 54
बाय 9। एक क्वेश्चन से आपका 32 के, कल किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था, किसी ने पूछा था ना आप लोगों में से, 32 के पावर 32 की पावर 9, कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था, राइट? हाय, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डेफिनेटली जाहिद, प्लीज सभी लोग सेशंस को लाइक करें, शेयर करें, कम ऑन, क्लियर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। Now you can see here. Yes. Let's see. देखो, अगर आप इसको देखोगे तो इसका जो टोशंट होगा 97 इज द प्राइम नोड, टोशंट विल बी 96 से, ये 9600 में 96 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, राइट? सो द रिमाइंडर विल बी, हेयर विल बी योर वन, फर्स्ट का रिमाइंडर वन आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। इज इट क्लियर? यस, राइट राइट। Is it clear? Thank you very much. Right? Okay. Okay. And इसमें देखो, जैसे बेटा 13 है, 13 का ट्यूशन कितना आएगा? 12 आएगा। क्या आएगा? 12 आएगा, राइट? 12 आएगा, राइट? 13 का ट्यूशन कितना आएगा? ये 12 आएगा, ओके? ओके? अब देखो, ये जो 12 है ना, इस 12 से 38 में डिवाइड करो, 12 थ्री जा 36, रिमाइंडर कितना बचा? 2। रिमाइंडर कितना बचा? 2। अब ये 5 की पावर 2, 13, 5 की पावर 25 बाई 13, 13 से 25 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 12 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 12 आएगा। इज इट क्लियर? इसमें देखो, जैसे 9 है तो 9 को आप क्या लिख सकते हो? 3 × 3 यानी कि 3 की पावर 2, तो टोशन कितना आएगा? 9 × ये जो 3 है, ये 3 में से एक कम 2, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 आया, 6 आया। अब 54 में 6 से डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स, इसका रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा इसका रिमाइंडर 1? क्यों? क्योंकि 9 का टोशन 6 होता है, 6 से 54 कम्प्लीटली कैंसिल हो रहा है, इसलिए इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसलिए इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, राइट? Is it clear? Is it clear? Yes or no? Right. Now, 9 का टोशन कितना आएगा? 9 का टोशन, 9 का कितना आएगा? 3 की पावर 2, सो 9 × 2 बाई 3 × 3 = 6। अब देखो, 6 से आप इस 32 में डिवाइड करोगे, 6 × 5 = 30, रिमाइंडर 2, राइट? रिमाइंडर कितना बचा आपका? 2। रिमाइंडर आपका कितना बचा? 2। अब देखो, अगर आपका रिमाइंडर आपका 2 बचा, राइट? अगर आपका रिमाइंडर आपका 2 बचा, तो अब आप इसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चंस को आप इस तरीके से भी डील कर सकते हो। ध्यान से देखना। जैसे 32 है ना, तो अगर आप जैसे 32 की पावर 2 लिखोगे और ये 9 आया, अब आप 9 से एक बार 32 में डिवाइड करो। पहले आप सिंप्लीफाई करो, एक काम करो, अभी यहाँ पे 32 लिख देते हैं। पहले एक काम देखो, ध्यान से देखो, मैं पहले आप इसको सिंप्लीफाई करते चले जाओ। देखो कैसे करोगे सिंप्लीफाई, 9 से 32 में डिवाइड करोगे तो 9 × 3 = 20, रिमाइंडर कितना आएगा? 5 की पावर 32 डिवाइड बाय 9। अब देखो, 9 का क्वेश्चन 6 आया, 6 से 32 में डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया, 5 की पावर 2 डिवाइड बाय 9, 25 बाय 9, 9 से 25 में करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 7 आएगा। ओके,
होगा राइट इज इट क्लियर सबको समझ में आ रही है साक्षी सिंह मोनिका सिंह इंडिया नेहा सलमानी यस जाई दिस इज द फ्री सीरीज राइट दिस इज द फ्री सीरीज सभी रजिस्ट्रेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दो क्या आप सभी को समझ में आ रहा है इज इट क्लियर आई होप मुझे लग रहा है कि शायद सभी को समझ में आया होगा इसको राइट है ना मैं आपको फिर से दे रहा हूँ क्वेश्चन राइट 3 के पावर 56 / 20 राइट आप मुझे बताएं राइट 33 के पावर 33 / 7 इसको आप सिंप्लीफाई कर दो आराम से पहले सोचो प्लीज थिंक अबाउट इट प्लीज टेक योर टाइम रितिका कैरी सर मुझे क्लियर है बेटा इसमें देखो जैसे कि मान लो कि 9 से आप 32 है राइट बहुत लार्जेस्ट है सिंप्लीफाई कर लो 9 से 32 में डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आया 5 तो यहाँ पर हमने 5 लिख लिया अब इस 5 की पावर 32 कर लिया और ये 9 इस 9 का टोशन निकाला कितना आएगा 6 से 32 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आया 2 तो यही 5 की पावर 2 फिर पिछले बार जैसे आंसर इसका 7 आ गया यहाँ भी वैसे ही करेंगे देखो यहाँ भी अपन वैसे ही करेंगे 7 से 32 में डिवाइड करोगे 7 × 4 = 28 रिमाइंडर 5 बचा तो 5 की पावर 33 / 7 और टोशन जो आएगा ना 7 का कितना आएगा 7 का टोशन कितना आएगा 7 का टोशन इसका 6 आएगा तो 6 से जब 33 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6 × 5 = 30 रिमाइंडर कितना बचा 3 तो 5 की पावर 3 / 7 5 की पावर 3 / 7 तो कितना है 125 / 7 करोगे तो कितना आएगा 17 × 7 = 119 रिमाइंडर कितना आएगा आपका 6 आएगा या माइनस का 7 - 1 = 6 आएगा इसका आया 6 आप उसको बार बार रिपीट करना नहीं समझ में आएगा ना तो इसको डाउट सेशन में डाल देना आप अपना ठीक है मैं एक बार आप सभी का डाउट्स लूँगा डेफिनेटली यू कैन आस्क मी फ्रॉम दिस टॉपिक्स देयर राइट ऊपर वाले का 1 देखते हैं 20 को आप टोशन कितना आएगा 20 को आप सॉल्व करोगे 2 की पावर 2 × 4 = 5 राइट है ना राइट अगर आप इसका टोशन निकालोगे ये 20 × 2 है तो 1/2 5 है तो 4/5 5 × 2 = 10 × 2 = 4 कितना आया 8 आया राइट तो 8 × 7 = 56 सही बात रिमाइंडर इसका 1 आएगा बहुत अच्छा जियो मेरे से जियो कमॉन फर्स्ट का 1 बहुत अच्छा आंसर दिया डेफिनेटली फर्स्ट का 1 आंसर आया है फर्स्ट का 1 सही में आंसर आया है ठीक है चलो और आगे मूव करता हूँ सभी लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना सी सेट वाइज सब पहले पूरा मैथ्स एंड कर दीजिए फिजिकिंग पढ़ाएगा ठीक है पहले पूरा मैथ्स हो जाएगा ठीक है ओके ठीक है देखो 2 की पावर 57 आराम से प्रैक्टिस करते चलो राइट मैं इसको जो है ना एक बार मैं इसको हटाता हूँ ठीक है बहुत सारे टाइप हैं मेरे प्यारे बच्चे ये टाइप तो आपका हो गया है ये सब तो हो गया है राइट ये भी आपका करवा दिया है मैंने ये भी मैंने आपका करवा दिया है ना नहीं ये तो हो गया था ना ये वाला है देखिए नहीं जैसे 57 के पावर 57 / 8 करो आप इसको सॉल्व इसको आप सॉल्व कीजिए कितना आएगा इसको करिए या तो एक काम करते हैं रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस निपटाने दो आपके साथ राइट 2 के पावर 57 / 56 ओके एक तो ये क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है आपके सामने 5 की पावर
251 अपॉन में 250। आप इसको लेकर के सोचो, आराम से सोचो, आराम से। क्लास ब्लर है, मैं आपको प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चंस दिखाता हूँ, ठीक है। हालांकि अब तो सारा हो ही जाएगा प्रीवियस ईयर का, हालांकि मैं आपको सारा करा चुका हूँ। अगर आप देखोगे तो मैं आपको सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करा चुका हूँ। आराम से टोशंट मेथड से ही, सुनो, टोशंट मेथड से ही आप एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताओगे। 46 टोशंट मेथड से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताओगे सीसेट 2021 को। टोशंट मेथड से ही देखो, पहले इसको करो। देखो 56 टू की बार 57 है ना, तो आपको देखो थोड़ा सा आप क्विकली सॉल्व नहीं कर पाओगे। इधर देखो, मैं आपको वही बता रहा था, पहले का आंसर 4 है, 4 दे रहे हो क्या, गलत है आंसर। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए रुको। एक सेकंड मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक क्लियर है, इसमें क्लियर है सबका, तो यस यस टाइप करो। अगर आपको यहाँ क्लियर है सभी लोग, तो यस यस टाइप करो। अगर आपका यहाँ क्लियर है तो यस यस टाइप करो, यस यस टाइप करो। अगर आपका यहाँ क्लियर है तो आपका यस यस टाइप करो। यस यस टाइप करो, बस ओनली आई एम आस्किंग यू फ्रॉम हियर, राइट। सुर भी कह रही है नो, बाकी सभी बच्चे के, गोपी भी कह रही है, ज्योति भी कह रही है यस। अगर जिसका भी क्लियर यस, सर एक बार और बताइए, मैं चलिए ठीक है, सबका क्लियर ठीक है। मुझे एक काम करो, मुझे टोशेंट 10 का टोशेंट बताओ। मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूँ एक बार, मुझे आप सभी से पूछना चाह रहा हूँ एक बार, मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे जो है ना टोशेंट ऑफ 10 क्या होगा, टोशेंट ऑफ 10 का टोशेंट क्या होगा। अगर आपको 10 का टोशेंट पूछा जाएगा तो बताओ क्या आएगा। 10 का टोशेंट 9 क्यों आएगा प्रियंका? टोशेंट 9 जब होता, जब 10 प्राइम नंबर होता। प्राइम नंबर का टोशेंट हमेशा एक कम होता है, प्राइम नंबर का टोशेंट हमेशा, हाँ 10 का टोशेंट बिल्कुल 4 आएगा, बिल्कुल 4 आएगा, ढोकलो लो। क्योंकि इस 10 को प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर में चेंज करो, 5 × 2, 5 की पावर 1, 2 की पावर 1 है, राइट। आप देखो तो इस 10 नंबर कितना है, 10, ये 5 है तो 5 में से एक कम 4, ये 2 है 2 में से एक कम 2, 5 या 10, 4 1 या 4। मैंने आपको बता भी तो दिया था यार, कौन से दुनिया में रहती हो आप लोग, कौन से दुनिया, ये देखो तो मैंने आपको बताया था ना अभी, 8, 9, 10, ये देखो जैसे ये 20 का बताया था, 120 का बताया था, राइट है ना। ये देखो इधर बताया था ना 8, 9, 12, 14, इस प्रकार बताया था, राइट। देखो तो कितना आपको बताया था, देखो कितना सारा है आपको। 10 का टोशेंट कितना आएगा, 4, 10 का टोशेंट 4 आएगा, राइट। 10 का टोशेंट कितना आया आपका, 4। 15 का टोशेंट बताओ तो कितना आएगा, 15 का टोशेंट बताओ तो कितना आएगा, 15 का बताओ तो कितना आएगा, राइट। फिफ्टीन का कितना होगा, 5 × 3, 5.1, तो 15, 5 में से 4 by 5,
2/3 बिल्कुल एट आया। अब आप देखो समझो, बस आपको मैं यही समझाना चाहूँ। अब देखो टोशंट का यूज करके आप देखो कितने सारे क्वेश्चंस को देखो आप सॉल्व कर सकते हो। यही तो है कि अगर आप समझ जाओगे एक बार तो बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बस टोशंट को आप समझो, देखो ध्यान से, ये देखो देखो ये क्वेश्चंस है, इज इट विजिबल, ये देखो ये देखो ये क्वेश्चंस है, ये देखो ये क्वेश्चंस है। आप इसका टोशंट से यूज करो, अब आप इसका टोशंट से यूज करो, टोशंट से यूज करो। और आपने इसको टोशंट से यूज कर लिया तो समझ लो कि आप बहुत बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो। आई एम रियली, देखो क्या है, 3 की पावर 2019 डिवाइड बाय 10। सबसे पहले 10 का टोशंट फाइंड करो। सबसे पहले आप सभी लोग 10 का टोशंट बताओ कितना आएगा, 10 का टोशंट बताओ कितना आएगा, 10 का टोशंट मुझे आप यहाँ पे। तो सभी लोग सेशंस को लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, CSAT बाई संजय कुमार सा। अगर आप 10 का टोशंट आपका कितना आ गया, 10 का टोशंट कितना आ गया आपका, इसका जो है टोशंट आपका कितना हो गया, आपका 4 आ गया। अब 4 से क्या करोगे, 4 से क्या करोगे, पावर में डिवाइड करोगे ना, करो। अब क्या करोगे बताओ, नहीं रटो नहीं। अब देखो 4 से अगर 2019 है, 2019 है, अगर 20 आप करो जरा सोचो, आप प्लीज थोड़ा टाइम लो, जरूर आराम से सोचो। अनअकैडमी की तरफ से किसी को भी कॉल आए प्लीज यूज माई रेफरल कोड SKS10 एंड ज्वाइन देयर, राइट। रिमाइंडर 3 हुआ ना, तो अब करो 3 की पावर 3, करो खुद से करो, मेरे भरोसे मत करो। देखो अब ये 4 हुआ आपका, राइट। आप इस 4 से 2019 में डिवाइड करोगे, 4 5 जा 20 1 0 9 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा आपका, 3 बचा, तो ये कितना होगा, ये 3 की पावर 3 बाई 10, 3 की पावर 3 27 बाई 10, 10 से 27 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 7। आंसर क्या आएगा सी। अब मुझे बताओ क्या आपने इसको भी टोशंट मेथड से सॉल्व किया कि नहीं किया, बोलो है ना। अब आपको लग रहा है समझ में, अगर अब आपको ये बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन SKS10। अब अगर आपको समझ में आ रही है तो, नहीं तो आप मुझे SP शाह कोड का रिप्लाई करिए। कमॉन मेरे प्यारे बच्चे, कमॉन आराम से कीजिए सॉल्व प्लीज। नंदन है ये रिश्ता तो प्यार का बंधन है, आ गई बात समझ में। अब देखो इतना ही नहीं, इस साल का भी क्वेश्चन पेपर को आप देखो ना, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा, राइट हैंड आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा यार ये क्या है। ये देखो शायद इस साल का क्वेश्चन, हाँ देखो देखो ए आवाज़ आ रहा है।
देखिए टुडे इज संडे विच डे इज एक्जैक्टली 10 की पावर 10। अच्छा डिवाइड किससे करेंगे 7 से, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा मेरी क्लास में हम हमेशा ऑड डे के लिए 7 से डिवाइड करते हैं। अब 7 क्या है? 7 क्या है? व्हाट इज 7? 7 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? 7 प्राइम, बहुत देखो बहुत कम बच्चे अब लाइव है, बताओ कहाँ आप 350-400 बच्चे लाइव थे, अब सीधा 250-300 बच्चे लाइव है। इसका मतलब है कि अब आप थक गए पढ़ाई में, नहीं? चलो थक गए तो मैं भी थक गया, फिर बीच में छोड़ना भी आता है क्लास में, ठीक है ना? पढ़ाई करो, मेहनत करो मेरे बच्चे, राइट? क्योंकि एक ही है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट? लेकिन मेहनत करना है सही डायरेक्शन में, ठीक है? पता चले कि आप पढ़ रहे हो पढ़ते ही जा रहे हो और कुछ कर ही नहीं रहे हो, रिवीजन कर ही नहीं, रिपीट कर ही नहीं रहे हो, आप एक बार क्लास कर लेते सोचो अब तो मुझे समझ में आ गया, अब मैं सीसैट के क्वेश्चन कर लूँगा, लेकिन उस लेवल के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, एग्जाम टाइम में आप क्लास को ही नहीं सीरियस हो ही ना, सिलेबस के प्रति क्वेश्चन के प्रति स्ट्रिक्ट ही नहीं हो, तब थोड़ी ना होगा। यस या नो? यस क्रैब, यस। 7 का ट्वेश्चन देखो, 7 का ट्वेश्चन क्या आएगा, इसका ट्वेश्चन क्या आएगा 6 आएगा। चलो ठीक है, अभी देखो पहले आप क्या करो देखो बताता हूँ। अगर ये 6 आया, ठीक है ना, अब देखो 6 आया तो बताता हूँ अभी आपको, अगर आप 6 में 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 4 आएगा, तो आप शॉर्ट करने के करो 7 से आप 10 में डिवाइड कर दो। अगर 7 से 10 में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 3 आएगा, 3 की पावर 10 डिवाइड बाय 7। अब देखो ये जो ट्वेश्चन 6 है, 6 से आप 10 में डिवाइड कर दो, 6 से 10 में रिमाइंडर कितना आया, 4 आया, ये 3 की पावर 4 करोगे 81 डिवाइड बाय 7, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 4 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि संडे है तो मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फोर्थ डे क्या आएगा आपका, थर्सडे। आंसर क्या आएगा आपका, बी। आंसर क्या आएगा आपका, बी। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप मुझे लग रहा है कि आप सभी को समझ में आ गया। तो ट्यूशन मैथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? अगर आप इसको समझ पा रहे हो, इसको आप अच्छे तरीके से समझ रहे हो, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, राइट? ऑटोमेटिकली आप ऐसे ऐसे चीज़ों को आप सॉल्व कर लोगे, राइट? है ना, डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके से, किस प्रकार से आप इस पॉइंट्स को आप समझते हो, किस तरीके से आप इस तरीके से इसको आप अच्छे तरीके से आप क्लैरिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा, राइट? अगर आप नहीं कर पाओगे तो समझ लेना कि तो दिक्कत है, राइट? है ना, इसलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, चेक जरूर करते रहिए, राइट? है ना, इसको पढ़ाई जरूर करते रहिए, ओके, राइट? इज क्लियर? बस ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, राइट? एक्चुअली द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज ओनली स्टडी। अगर आप सही तरीके से अगर आप शुरू करना चाह रहे, राइट? है ना, अगर आप सही तरीके से अगर आप शुरू करना चाह रहे थे, राइट? है ना, तो वो टाइम जो था आपका यस्टरडे ही था, राइट? इट वॉज योर यस्टरडे, बट द नेक्स्ट बेस्ट, इफ यू वॉन्ट टू बी द नेक्स्ट बेस्ट इज राइट नाउ। आप अभी स्टार्ट करें अनअकैडमी पे, कोई भी प्लस कोर्स, कोई भी आप आइकॉनिक कोर्स आप ले सकते हैं, जहाँ पे आपको 50+ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, नॉट एजुकेटर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हु विल गाइड यू, यू कैन ज्वाइन द एनी अनअकैडमी प्लस कोर्सेज बाई यूजिंग दिस रेफरल कोड SKS10। आप इस कोड को यूज करें, दिस इज अवर रेफरल कोड, राइट? और प्रमो कोड, राइट? इस कोड को यूज करने के बाद आपको मिलता है डिस्काउंट, और साथ में मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको फॉर प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल एंड टिन इंटरव्यू तक, राइट? क्या पढ़ोगे, कैसे कैसे रिवाइज करोगे, करंट अफेयर्स कब से फॉलो करना चाहिए, कौन सा न्यूज़पेपर को फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, डे टू डे आप हमसे जूम सेशन में कनेक्ट हो सकते हो, राइट? वहाँ पे आपको मेरे गाइडेंस बहुत सारे, वो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में आप कनेक्टिविटी हो सकते हो, ठीक है? तो दिस इज द थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल हमारी क्लास 10 PM होगी, राइट? कल हमारी क्लास 10 PM होगी, राइट? टुमारो विल बी आवर क्लास ऑन 10 PM। प्लीज़ ज्वाइन अनअकैडमी, आप मुझे फॉलो कर लीजिए, राइट? है ना, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, सीसैट बाई संजय कुमार शाह, यानी कि यूट्यूब पर सर्च करो संजय कुमार शाह चैनल, वहाँ पे आपको सीधा दिख जाएगा टेलीग्राम, राइट? संजय कुमार शाह चैनल, ठीक है? गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, सभी लोग शेयर कीजिए, राइट? तो आज लास्ट डेट है, कल से बैचेज स्टार्ट है, 17th of March से बैच स्टार्ट है, सॉरी 17th of June कल से सेशन स्टार्ट है। तो ज्वाइन द अनअकैडमी आइकॉनिक प्लस इस कोड को यूज करके, राइट? सभी टॉप एजुकेटर्स के साथ, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर से ऑन टाइम, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर आई से, थैंक यू।